नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों मान लीजिए एक दिन मोदी जी सुबह सो के उठते हैं और कहते हैं कि जो मैंने वादा किया था 15 लाख रुपए देने का, मैं उसे पूरा करूंगा। अगर मोदी जी सबके अकाउंट में 15 15 लाख रुपए डाल देते हैं तो क्या होगा? क्या ये हमारे लिए अच्छा रहेगा? क्या ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा? दोस्तों ऐसे ही सवाल IAS और PCS में कई बार पूछे जा चुके हैं। मोदी जी का नाम नहीं लेते हुए भी उन्होंने कई बार सवाल पूछे हैं कि मान लीजिए गरीबों को अगर उनकी हेल्प करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए सबके अकाउंट में 1 1 करोड़ रुपये डाल दिया जाए तो सब लोग अमीर हो जाएंगे। तो क्या इस तरह का काम से चीज़ें सही होंगी या दिक्कत होगी, इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे इसको। दोस्तों एक केस लिया है कि मान लीजिए जैसे कि आजकल के हिसाब से दूध की जो कीमत है वो लगभग 45 रुपये पर लीटर एक शुद्ध दूध मिल रहा है। अब चूंकि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छा कमा रहे होंगे, जैसे सैलरी 50 हज़ार रुपये तक भी होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो मध्यम वर्ग के लेवल पे होंगे, 20 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कम कमा रहे होंगे, 2 हज़ार 5 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे। ठीक है, इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से एक प्रोडक्ट की यानी दूध की कीमत रखी गई कि 45 रुपये पर लीटर है। ठीक है, अब दूध सबको चाहिए होता है बट कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, जैसे 50 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये वाला जो बनता है वो 45 रुपये का दूध अफोर्ड कर सकता है, लेकिन 5 हज़ार रुपये वाला जो कमाने वाला बनता है वो दूध अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसकी इंटरेस्ट तो है, इच्छा तो है, पर उसकी इनकम नहीं होने के कारण वो 45 रुपये दूध नहीं ले पाएगा, इसलिए अपनी वो इच्छा मार लेता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, मोदी जी जब उसके अकाउंट में 15 लाख रुपये दे देते हैं तो अब वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। वो लोग जो अपनी इच्छा दबाए हुए थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, मोदी जी के पैसे आ जाने के कारण अब वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो भी दूध का गिलास पीना चाहते हैं। अब जब वो लोग भी जो जो अभी तक परचेज़ नहीं कर पाते थे उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दी, और जो पहले अफोर्ड कर सकते थे उनका डिमांड तो थी थी, इस कारण से क्या हुआ कि दूध की डिमांड बढ़ जाती है, दूध की मांग बढ़ जाती है। अब जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है तो दोस्तों उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो यही कारण होता है कि 45 रुपये का जो दूध मिलता था अब हो सकता है 45 हज़ार रुपये पर लीटर भी दूध बिक सकता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर इकोनॉमी में ज़बरदस्ती पैसा आ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो दिक्कत करता है, महंगाई दर बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। अब ये महंगाई क्या होती है इस वीडियो में और अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों महंगाई का टेक्निकल वर्ड है मुद्रास्फीति, इंग्लिश में बोले तो इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति हिंदी में बोलते हैं, इन्फ्लेशन इंग्लिश बोलते हैं, महंगाई को बोलते हैं। इसको समझते हैं महंगाई होती क्या है और ये क्यों जरूरी भी है। दोस्तों महंगाई क्या है, महंगाई का मतलब है डिमांड, अगर आम भाषा में बोलें डिमांड करना। ठीक है, अगर आप जिस चीज़ की डिमांड करते हो, किसी चीज़ की डिमांड होगी किसी तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो चीज़ अपने आप महंगी होती चली जाती है। तो इकोनॉमिक्स में ये समझिए कि इकोनॉमिक्स ने बोला है कि थोड़ा बहुत तो डिमांड जरूरी है, थोड़ी बहुत तो महंगाई जरूरी है। महंगाई का मतलब डिमांड से होता है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, लोग उसे परचेज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो लगभग 2% से लेकर 4% तक का, ये एग्जाम पूछा भी गया, ठीक है, 2% से लेकर 4% तक का बीच में ऐसा गया है कि हर साल 2% से 4% के बीच में महंगाई बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, महंगाई बढ़नी चाहिए इसका मतलब क्या है, देखिए अगर 2% से 4% के बीच में महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब है कि 2% से 4% के बीच में लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब डिमांड आती है तो लोग प्रोडक्शन करेंगे, जो कंपनी वाले हैं वो उसका प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो उसको वर्कर चाहिए, 2% से 4% एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए, उसको रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए तो वो प्रोडक्शन करेगा और मार्केट में सप्लाई करेगा, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ग्रोथ सबकी होगी। यहीं पर अगर मान लीजिए डिमांड बिल्कुल जीरो हो, यानी इन्फ्लेशन महंगाई बिल्कुल जीरो हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट की मांग ही नहीं है। उस प्रोडक्ट की मांग अगर नहीं होगी तो कोई भी कंपनी क्यों बनाएगी, अगर कंपनी काम नहीं करेगी तो वर्कर को सैलरी कैसे देगी, अगर वर्कर को सैलरी नहीं देगी तो वर्कर तो भूखे मरेंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और सिचुएशन एक तरह से आर्थिक मंदी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए थोड़ी बहुत महंगाई दर होना बहुत जरूरी है आज के सिनेरियो में। अगर आज प्रेजेंट टाइम की बात करें, हिंदुस्तान में महंगाई कम है, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो चुकी है, इसी कारण से हिंदुस्तान आर्थिक मंदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके अंदर इसके बारे में डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन समझ लीजिए। अच्छा, अब महंगाई जाता है, थोड़ी बहुत तो चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए यही महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो जाए, लगभग 50% 60% चले जाए, 100% चले जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड तो बढ़ी है लेकिन आपके पास जो परचेजिंग पावर है, आपकी सैलरी तो बढ़ी नहीं, आपका पैसा तो बढ़ा नहीं, तो आप सब अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो वो भी बहुत दिक्कत चली जाएगी और आप फिर उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो आप गरीबी की तरफ चले जाओगे, जैसे कई बार होता है। अब कुछ इन्फ्लेशन के कुछ इंटरनल कॉजेज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं।
इंटरनल कॉजेस क्या होते हैं, महंगाई क्यों बढ़ती है? अगर इंटरनल की बात करते हैं तो किसी चीज़ की प्रॉपर्टी जैसे वह उछाल आ जाए, जैसे कि आप याद होगा कि आज से 5-7 साल पहले प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत जल्दी पड़ गए थे, ठीक है। अगर वो चीज़ हो रही है तो महंगाई इधर बढ़ जाती है प्रॉपर्टी की, ठीक है। लोगों को आपने सुना होगा कि पे कमीशन बनता है, तो पे कमीशन में जब सैलरी बढ़ती है तो उनके पास परचेसिंग पावर ज़्यादा आ जाती है, तो फिर डिमांड करना शुरू कर देते हैं, किसी प्रोडक्ट का डिमांड करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है फिर महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सबके पास पैसा आ गया, ठीक है। पहले 10,000 कमाता था, अब 20,000 कमाता है, उसको पैसा मिलता है, तो वो भी अब उसको भी दूध पीना है, तो उसके एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ने से, जो पे कमीशन के एक्स्ट्रा पैसे मिलने से महंगाई बढ़ती है, ये बोला डिमांड बढ़ती है, ठीक है। बैंक आपको ज़्यादा पैसा दे दे क्रेडिट कार्ड के रूप में, लोन के रूप में, अब बैंक अगर आपको पैसा ज़्यादा देगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास परचेसिंग पावर बढ़ गई, अब आप भी डिमांड कर सकते हो, डिमांड करोगे तो मतलब महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। अगर कोई टैक्स वैक्स ज़्यादा लगा दिया जाए, इसके कारण भी आपका महंगाई बढ़ती है। ये इंटरनल कॉजेज है। कुछ एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं, क्या कारण है इन्फ्लेशन के। मान लो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ जाए, तेल कीमत बढ़ने से क्या हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, तो जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो बड़ा महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से क्या होगा, जो सामान एक जगह दूसरी जगह जा रहा है वो महंगा हो जाएगा, और इस कारण से उस सामान की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉमोडिटी है, कोई मटेरियल है, उसकी मांग बढ़ महंगा हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडिया चूंकि उसे इम्पोर्ट करता है सामान को, तो महंगा सामान इम्पोर्ट करेगा तो सामान अपने आप फिर महंगा हो जाएगा, इंडियंस को महंगा मिलेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, यानी कि रुपीज़ के डॉलर रुपी का जो कॉम्बिनेशन है, जिस समय जो 72-74 रुपये चल रहा है, इसमें रुपये की जो कीमत है और गिर जाए, और गिरने से क्या होगा, इसका मतलब है कि पैसा जो है, रुपया जो है, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है, ठीक है। अब जो रुपया है उसकी कीमत कम होगी, मतलब अब आपको कोई सामान खरीदने में ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मान लीजिए चीनी जो है वो 100 रुपये एक किलो में आती है, अगर रुपये की कीमत गिर जाती है तो 1 रुपये की एक किलो चीनी लेने के लिए आपको 100 रुपये नहीं, 105 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताया, बाकी दूसरी कंट्रीज में भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो भी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। ये कुछ कारण है, इसको समझना जरूरी था, मैंने समझा दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन है, ये गुड भी है बैड भी है। अगर कंट्रोल में रहता है, 2 से 4% के बीच में रहता है तो ये गुड है, लेकिन अगर ज़्यादा चले जाता है तो ये बहुत बहुत बैड है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन से जुड़े हुए कुछ और टर्म्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपको जानना जरूरी है, उनके मतलब जानने जरूरी है। पहला वर्ड है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, देखिए डिफ्लेशन का मतलब है डिक्रीज इन द जनरल प्राइस और ए नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट, मतलब किसी प्राइस का आपका जो कीमत है वो कम हो रही है। जैसे कि आजकल क्या है, जो प्रॉपर्टी पहले जो बिकती थी ज़्यादा कीमत में, आजकल प्रॉपर्टी खरीदने वाला ज़्यादा लोग नहीं रह गए, तो वहाँ पर आप कहते हैं रियल एस्टेट पे डिफ्लेशन आ गया है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी कीमत गिर रही है, तो इस कारण से भी इसको कहते हैं कि जो कीमत में गिरना, इसे कहते हैं डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन ज़्यादा होता है, कीमत बहुत ज़्यादा गिर रही है, इसका मतलब है कि लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं और वहाँ पर आर्थिक मंदी आ जाती है। आप देखो रियल एस्टेट के बिज़नेस में इस समय डिफ्लेशन है, वहाँ पर आर्थिक मंदी आ रखी है, रियल एस्टेट बिज़नेस बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ठीक है। एक टर्म तो क्या डिफ्लेशन हो गया, एक टर्म और होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इसका मतलब क्या है, द डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, द प्राइस इंक्रीजिंग एट स्लोअर रेट। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई बढ़ना 2% से 4%, लेकिन अगर डिसइन्फ्लेशन, इसका मतलब है कि 2-4% से नहीं बढ़ रही है, 1% से बढ़ रही है, या 1-1.5% से बढ़ रही है, इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, महंगाई कम रफ्तार से बढ़ रही है। तो हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, हमने डिफ्लेक्शन पढ़ लिया, हमने डिसइन्फ्लेशन पढ़ लिया। एक वर्ड आता है, वो आता है हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अचानक से बहुत बढ़ जाए, कि मतलब जो कीमत आज आप एक साबुन अगर 10 रुपये खरीदते थे, वो अचानक से 50 रुपये का बिकने लगे, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए। जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो समझे कि आपका जो पैसा है ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे में ऐसा हो गया था कि इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ गया कि लोग अगर दूध खरीदने जाते थे तो बोरी में पैसा भर के जाते थे, क्योंकि जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी। हद ये हो गई कि उन्होंने फिर जिम्बाब्वे करेंसी ख़त्म की और डॉलर को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन का ये मतलब होता है महंगाई बढ़ जाने से आपके जो पैसे की कीमत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपने समझ लिया। अब आता है एक वर्ड जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या मतलब है स्टैगफ्लेशन का, कि भैया महंगाई तो बढ़ रही है,
हाइपर इन्फ्लेशन तो है, बहुत महंगाई बढ़ रही है। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन है, मतलब कि 10-15% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब होता है 50%-60% के, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन है मतलब 10-15% है, साथ में आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। मतलब एक तो महंगी बढ़ रही है बट आपका बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जब दोनों चीज़ें साथ में होती हैं तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इंडिया में स्टैगफ्लेशन ज़्यादा है। अभी तो इस समय इन्फ्लेशन कम है, साल भर पहले क्या होता कि स्टैगफ्लेशन आ गया था, आई थिंक 2 साल पहले की बात हुई है, जब महंगाई दर बहुत बढ़ रही थी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आज भी ज़्यादा है, पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है हमारे बेरोजगारी का, ठीक है। ये क्यों होता है? ये अमूमन जो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, सिस्टम चेंज हो जाता है, इस कारण से ही होता है। तो दोस्तों 4-5 वर्ड आपने समझ लिए, स्टैगफ्लेशन जब हाई इन्फ्लेशन हो और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, और आपका हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा महंगाई दर बढ़ी हो। डिस इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन कम रफ्तार से बढ़ रहा हो, यानी कि 1%-2% के हिसाब से बढ़ रहा हो। और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब डिमांड में कमी हो जाए, बिल्कुल प्राइस में कमी आ जाए, बिल्कुल जैसे कि रियल स्टेट में होता है। ये 4-5 वर्ड्स आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में यही सब पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, ठीक है। बाकी इन्फ्लेशन का जो रेट बोला गया है वो 2% से 4% के बीच में होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है इसके अंदर। 2% से 4% के बीच में बैंड रखा गया है, इतनी महंगाई दर होनी चाहिए जो अच्छी होती है, जो जो एक्सेप्टेबल है। दोस्तों ख़त्म करने से पहले एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं UPPCS के लिए तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस, PDF, टेस्ट सब आपको मिलेंगे, साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपसे समय मांगा जाता है, जैसे आपने कहा मैं 12 बजे फ्री होता हूँ, तो 12 बजे आपको यहाँ से व्हाट्सएप पे कॉल करके एक दिन पहले कुछ होमवर्क दिया गया होगा, वो पूछा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं, तो इससे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। फीस मंथली बेसिस पे ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जो बताइएगा, इसी तरह से और वीडियो बनते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।